हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है वी लव डॉग्स के कॉन्फ्रेंस एपिसोड में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन स्पिट्स वर्सेस डैक्शन के बारे में। तो जानते हैं इसकी कहानी अमन की जुबानी। तो सबसे पहले जानते हैं इंडियन स्पिट्स स्मॉल साइज के डॉग्स होते हैं जो कि स्पिट्स डॉग की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और वहीं डैक्शन भी स्मॉल टू मीडियम साइज के डॉग्स होते हैं जो कि हाउंड डॉग की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इंडियन स्पिट्स को इंडियन पोमेरेनियन भी कहा जाता है, और वहीं डैक्शन को सॉसेज डॉग भी कहा जाता है। तो अब जान लेते हैं इनके ऑरिजिन के बारे में। तो इंडियन स्पिट का ऑरिजिन, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा, इंडिया से है, और वहीं डैक्शन का ऑरिजिन जर्मनी से है। इंडियन स्पिट्स इंडिया में कितने फेमस हैं ये तो आपको पता ही है। आज भी बहुत सारे लोग अपने घर में इंडियन स्पिट्स पालते हैं। पहले के टाइम पर ज़्यादा लोग पालते थे, पर हाँ आज भी बहुत लोग रखते हैं इंडियन स्पिट्स। और वहीं डैक्शन भी अमेरिकन कैनिन क्लब ब्रीड पॉपुलैरिटी की लिस्ट में 12th रैंक पर आते हैं। इंडियन स्पिट्स को एज अ फैमिली कंपेनियन रखा जाता है, और वहीं डैक्शन को हेयर हंटिंग के लिए, बैजेस हंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और एज अ फैमिली डॉग भी रखा जाता है। तो अब जानते हैं इनके हाइट के बारे में। तो इंडियन स्पिट्स मेल का हाइट 35-40 सेंटीमीटर आराम से हो जाता है, और वहीं फीमेल्स का हाइट भी 30-35 सेंटीमीटर आराम से हो जाता है। और वहीं डैक्शन मेल का हाइट 32-47 सेंटीमीटर आराम से हो जाता है, और वहीं फीमेल्स का हाइट भी 30-45 सेंटीमीटर आराम से हो जाता है। तो अब जानते हैं इनके वेट के बारे में। तो इंडियन स्पिट्स का एवरेज वेट 10-20 केजी का होता है, और वहीं डैक्शन का एवरेज वेट 8-15 केजी का होता है। तो अब जानते हैं इनके लाइफ स्पैन के बारे में। तो इंडियन स्पिट्स का लाइफ स्पैन 12-15 ईयर्स का होता है, और वहीं डैक्शन का लाइफ स्पैन 12-16 ईयर्स का होता है। तो अब जानते हैं इनके कोट के बारे में। तो इंडियन स्पिट्स का डबल कोट होता है, और वहीं डैक्शन तीन टाइप के कोट में पाए जाते हैं, स्मूथ कोटेड डैक्शन, लॉन्ग हेयर डैक्शन, वायर हेयर डैक्शन। तो अब जानते हैं इंडियन स्पिट्स दो टाइप के होते हैं, स्मॉलर इंडियन स्पिट्स, ग्रेटर इंडियन स्पिट्स, और वहीं डैक्शन भी दो टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड डैक्शन, मिनिएचर डैक्शन। तो अब जाने से इन दोनों में से अच्छा गार्ड डॉग कौन रहेगा। तो दोनों ही डॉग गार्ड डॉग तो नहीं, पर काफ़ी अच्छे वॉच डॉग हैं। दोनों ही डॉग काफ़ी अच्छे फैमिली डॉग हैं, पर हाँ डैक्शन को ज़्यादा सोशलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये कभी कभी थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं। दोनों ही काफ़ी एक्टिव डॉग ब्रीड है, पर इनकी एक्सरसाइज की नीड ठीक ठाक वॉक और एक्सरसाइज से पूरी हो जाएगी। तो इन दोनों में से आपको कौन सा डॉग लेना चाहिए ये जानने से पहले इन दोनों का प्राइस और इन दोनों के फूड के और मंथली एक्सपेंस जान लेते हैं। तो इंडियन स्पिट्स आपको 3,000 से 8,000 के बीच में मिल जाएगा, और वहीं डैक्शन आपको 8,000 से 18,000 के बीच में मिल जाएगा। तो अब जान लेते हैं इन दोनों के फूड के ऊपर मंथली खर्च के बारे में। तो इंडियन स्पिट्स पे आपको फूड का खर्च 1,300 से 2,000 पड़ जाएगा, और वहीं डैक्शन पे 1,200 से लेकर 2,000 पड़ जाएगा। ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आप कौन सा डॉग फूड दे रहे हैं। बाकी जो आपका डॉग के वैक्सीनेशन पे, सप्लीमेंट्स पे, और भी जो प्रोडक्ट होते हैं उस पे जो खर्च होगा वो आप देख लीजिएगा, ये मैंने आपको फूड का खर्च बता दिया। अब जान लेते हैं आपको इन दोनों में से कौन सा डॉग लेना चाहिए। तो अगर आपको काफ़ी बालों वाला डॉग पसंद है जो कि इंडियन वेदर में काफ़ी अच्छे से अडैप्ट हो, तो आपके लिए इंडियन स्पिट्स काफ़ी सही रहेगा। हाँ आप डैक्शन भी ले सकते हैं, पर डैक्शन के साथ ये है कि कई बार ऐसा होता है कि डैक्शन दूसरे पेट एनिमल्स के लिए घर में थोड़े डेंजरस साबित होते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। बाकी डॉग का नेचर तो इस पर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह रखते हैं, किस तरह ट्रेन करते हैं, किस तरह ट्रीट करते हैं। और बाकी डॉग तो सारे अच्छे हैं, स्ट्रीट डॉग भी अच्छे होते हैं, आप चाहे तो उसे भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो बस अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल कर दिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दीजिए मुक्का मार के 4। नेक्स्ट वीडियो में कौन सी डॉग ब्रीड बनाऊँ ये मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो कर दिया लाइक शेयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।